दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हर दिन की तरह। तो दोस्तों अब हम अपने पुराने वाले कबूतरों को दिखाते हैं आपको, क्या उनकी वो चल रही है दोस्तों कबूतरों की। मैं पुराने कबूतर के पास आ गया हूँ, गेट खोल रहा हूँ दोस्तों, अभी उन्हें पानी वानी पिलाता हूँ। थोड़ा धूप हो रही है तेज़ तो कबूतर प्यासे ना रहे, तो इसलिए मैंने पानी वानी पिलाता हूँ दोस्तों। अब सारे कबूतर देखना कैसे बाहर निकलेंगे, अभी से देख लो कितने बेचैन हो रहे हैं दोस्तों। बाकी सब नया कबूतर कोई बढ़ा नहीं है, बस एक नया कबूतर बढ़ा है हमारे इन कबूतरों में दोस्तों। वो जो बच्चा बैठा है सामने यही नया आया, बाकी सब अपने कोई पुराने कबूतर हैं। तो धूप हो रही थी तेज़ दोस्तों, गर्मी पड़ रही है ज़्यादा, तो गर्मी में अपना थोड़ा कबूतर ऐसे ही रहते हैं। तो मैं दोपहरी में अब घर आया हूँ, तो आज थोड़ा धूप धूप चलेगी, थोड़ा वो बादल से आ गए, घटा आ गई, तो घटा से धूप सी चलेगी, तो सोचा इन्हें पानी पिला दूँ मैं दोस्तों। तो ये हमारे कबूतर आप देख ही रहे हो, थोड़ा पीछे हटता हूँ, पानी वानी पिला देता हूँ दोस्तों मैं। थोड़ा हट गया पीछे, और देखो सारे कबूतर कैसे बाहर आएंगे निकल निकल के। आह 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 आह, ये देखो दोस्तों, आह 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 आह, देखो दोस्तों बुलाने से कितने समझदार कबूतर हैं, बुलाने से सारे कबूतर बाहर आ गए। तो प्यासे हैं कबूतर, आप भी अपने कबूतरों वैसे दोपहर में पानी पिला दिया करो दोस्तों, जब कभी टाइम लगे एक टाइम पानी, जब हमें पानी गर्मी पड़ रही ज़्यादा, पानी पिलाना ज़रूरी है कबूतरों को। तो दोस्तों मैं आज रोज़ अपना कभी कभी टाइम मिलता है दूसरे वाले घर पर आने का, तो कभी कभी अपना वीडियो बना दो दूसरे वाले घर पे, जो हमारे पांच कबूतर हैं। अब दो बच्चे अपना ट्रेनिंग के लिए तैयार कर रहा हूँ उनमें से, अब वो पानी पी के सारे कबूतर धीरे धीरे अंदर चले जाएंगे, कुछ कबूतर बाहर ही रहेंगे। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखा करो, ये देखो दोस्तों। तो दोस्तों घटा छा गए, तो घटा के वजह से धूप भी अपना थोड़ा कम हो गई है। बाकी हमारी शुरुआत ऐसी होती है दिन की, दोपहर की, शाम की, तो फिर मैं इतने टाइम पानी पिला दूँ। दोस्तों बच्चे बच्चे भी हवाए नहीं है, अभी कल परसों एक बच्चा पकड़ा था, एक कबूतर का बच्चा उड़ गया, दिखा रहा हूँ, थोड़ा बीमार सा ही है, टाँट वाँट के बाल उड़ गए दोस्तों, थोड़ा बच्चा कमज़ोर है बच्चा, तो भैया दोस्तों बच्चा भी इसके पंख बंधे हुए हैं, पर बांध रखे हैं कबूतर के, रुक जा। तो ये बच्चा पकड़ा था दोस्तों, ये देखो अभी कम ही उड़ता है, हमारे कबूतरों के बीच में आके छोटा बच्चा तो ज़्यादा समझदार है नहीं इसके। देखो गर्मी पड़ रही है, गर्मी से टाँट वाँट के बाल पड़ गए, महीने भर बाद देख लो दोस्तों क्या चमक आती है बच्चे में, और आवाज़ देख लो दोस्तों कबूतरों की एकदम खड़ी आवाज़ है कड़क कबूतरों की दोस्तों। और हमने दोस्तों छोटी वाली कबूतरी के अपना अंडे वंडे अब देगी एक दिन में, कस के अंडे ले जाकर अपने कबूतरी के बीच में रखेंगे। और आज दोस्तों हमारे छोटे बच्चे को चूहों के लिए दवा ले, चूहा हमारे छोटे बच्चे को पाट खा गया था, खाल वाल खा गया उसके, चूहे ज़्यादा हो रहे हैं, तो चूहों के लिए आज मैं दवा भी लाया दोस्तों। दोस्तों आपको रोज अपना ऐसी कबूतर दिखाता हूँ सारे, देखो घर बनाने की तैयारी चल रही है, बच्चे अंडे रखने वाली है, तो मुंह पंख दबा रखा है, अभी अंडे रखने की तैयारी चल रही है इसके। पर अंडे दोस्तों अभी हम रखवा नहीं रहे, कबूतर हमारे थोड़े बीमार हो रहे हैं। अपना सब जगह अंडे वगैरह की तैयारी चल रही है, आप भी वीडियो को ध्यान से देखा करो दोस्तों, कमेंट करके बताया करो कबूतर कौन सा किस नस्ल का है दोस्तों, मैं भी तो हम भी तो देखें कितनी जानकारी है कबूतर पालने वालों, जो कोई कबूतर पालता है तो हमारे पास दोस्तों ये कबूतर है, इतने अभी थोड़े कबूतर और बढ़ेंगे। ये देखिए अपनी ये कबूतर है दोस्तों, अपनी कबूतरी के लिए घर बना रहा, मुँह पंख दबा के दोस्तों देख सकते हैं, अभी दौड़ के पहुँच गया, ये ऊपर ही रखता है, तो ऊपर ही रखेगा अंडा अंडा, शायद कोई सी कबूतर ने दे भी रखी थी, अभी देखता हूँ थोड़ा, अंडे वंडे तो नहीं दिए दोस्तों, वैसे ही बैठी है कबूतरे, तो ऊपर भी अंडे शायद दे दिए, देखता हूँ अंदर चल के दोस्तों, मैं बोलते घर में अंदर कबूतर दोस्तों ऐसे ही बैठी है, अंदर बैठी दोस्तों ऐसे ही बैठी है, अंडे अभी नहीं दिए,
घंटे देने बाद ये दर्द हो रहा है पेट में दोस्तों। आवाज आप सुन रहे हो कितनी कड़क आवाज है हमारे कबूतरों की दोस्तों। एक से खतरनाक नस्ल दिन थोड़ा एक गया करता हमारे कबूतरों को। दोस्तों सारे कबूतर और करता हूँ सारे कबूतर एक जगह। दोस्तों ये नस्ल है ये वैरायटी हमारे पास। आपके पास कोई नस्ल हो वैरायटी हो तो आप भी दिखा सकते हो हमें। और दोस्तों देसी कबूतर है हमारे एक से सॉलिड कबूतर। आपके जो अंडों के जोरों से आपके कबूतर हम घर के कबूतर रखते हैं दोस्तों बाहर से खरीद के ला देने सारे। हमने चार पांच कबूतर पाले थे पांच छः छः जोड़े पाले थे हमने दोस्तों छः छः कबूतर पाले तीन कबूतरी और तीन कबूतर लोगनी से ये सारे बच्चे निकले होंगे दोस्तों देख सकते हो। सारा एक ही परिवार के अपना तीन कबूतरी लाए थे तीन कबूतर लाए थे उन्हीं से इतने सारे कबूतर कर लिए हमने दोस्तों। ये घर बनवाया था उनके लिए अंडे दिए बच्चे निकाले अंडे दिए बच्चे निकाले तो एक बार में दोस्तों छह बच्चे तैयार होते थे तो एक कबूतरी दो देती थी और तीन कबूतरी छह बच्चे देती थी दोस्तों। एक बार में छह बच्चे तैयार होते तो ऐसे करते 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 दोस्तों काफी सारे कबूतर हमारे हो गए। हम दोस्तों ठंडों में बच्चे रखवाते हैं गर्मियों में अंडे वंडे रखवाते नहीं क्योंकि गर्मियों में अंडे बच्चे मर जाते हैं तो इसलिए अपना थोड़ा सिस्टम ऐसा ही रखते हैं दोस्तों। और मद्रासी कबूतरी दोस्तों हमारी जिसकी चोटी है मद्रासी कबूतरी हमारी पूरा चकाचक रहती है ना कोई टेंशन ना कोई किसी से कोई कोई मतलब नहीं दोस्तों। अपना खाती पीती अपना डंड पेलती है घर में दोस्तों कुटी वास्ता रहता आपस में लड़ाई झगड़ा सब आपस में चलता है देखिए कैसे लड़ते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखा करो या ज़्यादा शेयर किया करो ताकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी और वीडियो लाता रहूँ दोस्तों। लाइक करने के ना पैसे लगते ना सब्सक्राइब करने के पैसे लगते और कमेंट करके दोस्तों कमेंट करके और जरूर बताना अगर कोई कबूतर बाद मेरे कबूतरों को देख रहा हो तो कमेंट करके जरूर बताना कौन सा कबूतर इन सारे कबूतर में ज़्यादा अच्छा है हमारा। वैसे तो हम उड़ान उड़ान अब शुरू कर दिया हमारी तरफ उड़ान शुरू होगी तो उड़ान अपनी उड़ान की तैयारी कराएंगे तो दो तीन कबूतर हमने उड़ान के लिए निकाल लें आपको दो चार दिन में उड़ान वाले कबूतर भी दिखा देंगे जो अपना ऊँचे उड़ान भरते हैं तो कुछ दिन बाद आपको ऊँचे उड़ान दिखा देंगे देखो दोस्तों बाजी का मौसम यहाँ कहाँ बैठी उड़ के दोस्तों। अभी अपना दो चार दिन हुए इस बच्चे को पकड़े हुए देखो थोड़ा जूम करके दिखा दूँ ये बच्चा पकड़ा था इसके टांग टमाटर के बाद सब उड़े पड़े हैं तो अभी 10-15 दिन में दोस्तों अलग खिलखिला जाएगा बच्चा ये इस पर अलग ही रंगत आ जाएगी बच्चे पे थोड़ा पकड़ के बैठा तुम आ जाए ये बच्चा दोस्तों अपना लाल आँख का दोस्तों कमेंट करके बताना बच्चा कैसा है। किसी का भूखा बच्चा भूखा था तो अपना हमारे यहाँ आकर बैठ गया तो हमने पकड़ लिया दोस्तों। अभी भी हमारे इन कबूतरों की तरह अट्टा कट्टा हो जाएगा अपने सैर वहाँ क्या बैठ रहे हैं ऊपर जा रहे हैं ये तो काफ़ी देर से पंख लेकर ही घूम रहा है आज अंडे दे के छोड़ेगा ये थोड़ा और करीब तो जूम करके दिखा दो ये कबूतर बहुत जबरदस्त है तो ऊँची ऊँची उड़ान आसमान में घुस जाता है कई घंटे में उतर के आता है सुबह से सुबह का उड़ा शाम को घुसता है जिससे हम कम उड़ाते हैं क्योंकि कुई वगैरह का अटैक ज़्यादा चल रहा है तो कुई वगैरह की वजह से हम कबूतर को उड़ाते नहीं ऐसे है जबरदस्त कबूतर पूछ अपना हमने थोड़ी कलरफुल कर रखी है पूछ इसकी। दोस्तों वीडियो को हमारे को देखते रहा करो और ज़्यादा ज़्यादा शेयर किया करो शेयर करोगे तो हमारा थोड़ा मनोलो बढ़ेगा लास्ट तक देखो लाइक कर दिया करो दोस्तों वीडियो को कमेंट किया करो ताकि हम और भी अपना वीडियो बनाने का मनोबल बढ़े। तभी कुछ ही दिन में दोस्तों ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी बच्चों की तो आपको ट्रेनिंग भी दिखाऊंगा मैं ट्रेनिंग कैसे देते हैं काफ़ी सारी ट्रेनिंग मैंने बच्चों को दी थी तो बच्चे दोस्तों
बेकार हो गए मेरे, मैंने लोग के हाथ में अपना फोटो खिंचा लेके ना लोगों का, तो उसकी वजह से बच्चे मेरे बेकार हो गए। तो सब दोबारा से बच्चे तैयार कर रहा हूँ ट्रेनिंग के, अभी मेरे 2 बच्चे तैयार हो रहे हैं घर दूसरे वाले, तो वहाँ अपना ज़बरदस्त ट्रेनिंग चलेगी दोस्तों कबूतरों की, आपको उनकी ट्रेनिंग दिखाई जाएगी बच्चों की ज़बरदस्त वाली। तो भेदभाव बच्चों से है नहीं दोस्तों, चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, बाय बाय दोस्तों।